क्रिसमस पर पेरिस में कोहराम, न्यू ईयर से पहले फ्रांस में क्यों भड़की हिंसा, पेरिस में किसने लगाई आग। क्रिसमस के मौके पर दुनिया के खूबसूरत शहर पेरिस में लगातार दूसरे दिन हिंसा भड़की। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके समर्थकों और पुलिस के बीच जमकर भिड़ंत हुई। पीकेके समर्थकों ने सड़कों पर पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। उपद्रवियों ने पेरिस की सड़कों पर आगजनी की, जमकर हंगामा किया, पथराव भी किया। फ्रांस की राजधानी पेरिस में पीकेके समर्थकों और पुलिस के आमने सामने की झड़प में दंगाइयों की भीड़ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते दिखी। पेरिस में हिंसा के कई वीडियो सामने आए हैं। शहर के बीचों बीच चौराहे पर हजारों पीकेके समर्थकों की भीड़ जुटी। बेकाबू भीड़ ने सड़कों पर गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। पलटी हुई कारों पर चढ़कर पीकेके समर्थकों ने नारे लगाए। बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने टियर गैस छोड़ी। पुलिस ने आखिरकार बैटन के दम पर बेकाबू भीड़ को खदेड़ा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया। उधर फ्रांस के मार्सेल शहर में भी पीकेके समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। पीकेके समर्थकों की भीड़ ने फ्रांस के मार्सेल शहर में पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया। पुलिस की गाड़ियों पर चढ़कर जमकर तोड़फोड़ की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।